गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे 12वीं इंग्लिश का मॉडल पेपर। ये आपका पेपर टोटल 80 नंबर का होगा, 20 नंबर का प्रोजेक्ट होगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है टोटल आपका तीन सेक्शन में रहेगा। सेक्शन ए में रीडिंग पैसेज जो आपका 20 नंबर का आएगा, सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर ये आपका 30 नंबर का आएगा, इसका सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स यानी आपका जो फ्लेमिंगो बुक है और विस्टास बुक है उन दोनों से मिला के क्या है 30 नंबर का आएगा। इस तरह से कि टोटल आपका 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा। इसमें जैसे दिया है सेक्शन ए में रीडिंग कंप्रेंशन यानी एक पैसेज दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें ऐसा पैसेज दिया है, इसके नीचे आपके क्या है क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाई चूजिंग द राइट ऑप्शन। इस पैसेज का आपको ध्यान से पढ़ना है, इसका जो सही ऑप्शन दिया है जो सही है जो ऑप्शन भी आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन टू में वैसे भी है, ये भी सेम है। इसके बाद इसके आगे में है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट। इसमें ब्लैंक्स भी दिया है, इसको भी क्या है जो सूटेबल वर्ड्स है उसको क्या है फिलअप करना है। इतना सारा दिया है, ये होगा आपका पहला पैसेज। ये पहला पैसेज आपका 12 नंबर का आता है, इसमें पोएम भी आ सकता है पहला नंबर वाला पैसेज या क्वेश्चन में। इसका सेकंड वाला जो है पैसेज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इसमें क्या आपको नोट मेकिंग बनाना है, ऐसे पैसेज को कम से कम दो तीन बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक ए नोट ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। इस पैसेज का पढ़ के आपको क्या है नोट बनाना है, नोट मेकिंग। अगर नोट मेकिंग आप लोग नहीं बना पाओगे तो आप इस चैनल में आप लोग जाग देखना, मैं वीडियो बनाया हूँ नोट मेकिंग का कि कैसे नोट मेकिंग बनाया जाता है। तो इसमें नोट मेकिंग बना के उसको हेडिंग और सब हेडिंग का यूज़ करके आपको नोट मेकिंग बनाना है और इसका समरी भी लिखना है। राइट ए समरी ऑफ द पैसेज इन नॉट मोर देन 18 वर्ड्स, ठीक है। 18 वर्ड्स से क्या है ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो सजेस्ट ए सूटेबल टाइटल, और आपको टाइटल भी देना है। तो ये जो पैसेज है सेकंड वाला पैसेज जो नोट मेकिंग वाला है टोटल 8 नंबर का आता है, और 12 नंबर का जो पहला वाला पैसेज है वो तो 12, 8, 20 नंबर का सेक्शन ए आपका ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है सेक्शन बी, इसमें आपका राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। इसमें क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन 15, यू आर सोनल वर्मा कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, यू हैव ऑर्गेनाइज एन इंटर क्लास ऑनलाइन स्पीच कंपटीशन एज ए पार्ट ऑफ द चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द सेम। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपका नाम है सोनल वर्मा, आप क्या है कल्चरल सेक्रेटरी हो अपने स्कूल के, आपको एक इंटर क्लास ऑनलाइन स्पीच कंपटीशन के लिए क्या है बच्चों को क्या है इनवाइट करना है, उसके लिए आपको नोटिस निकालना है जिसमें वो बच्चे लोग भाग लेंगे। या आर करके दिया है अथवा करके, वाइल ट्रेवलिंग होम बाई योर बस यू लेफ्ट योर हैंड बैग इन इट, प्रिपेयर ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर द सेम। या तो आपको ये है आपका लास्ट वाला जिसमें आपको एडवर्टीजमेंट बनाना है, ऊपर वाला नोटिस है नीचे वाला एडवर्टीजमेंट, जो भी आपको सूटेबल लगे उसको आप बना सकते हो। इसका क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है यू आर रवि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अशोक इन्फॉर्मिंग हिम हाउ यू स्पेंड योर टाइम ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो ये आपका है लेटर, ठीक है। पहला वाला हो गया नोटिस और एडवर्टाइजमेंट वाला, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आपका लेटर या एप्लीकेशन। ये है लेटर लिखना आपको अपने फ्रेंड को। इसी में अथवा करके दिया है यू आर मोहन राइट ए लेटर टू द कमिश्नर ऑफ रायपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशंस एंड मॉस्किटो मींस इन योर लोकेलिटी। तो आपका कंप्लेन लेटर है लेटर्स टू द एडिटर्स वाला, तो इसको भी बना सकते हो आप। अथवा करके दिया है आर करके, आप चाहे ऊपर का बना सकते हो इनफॉर्मल लेटर या तो नीचे का बना सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 में राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 215 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये आपका 10 नंबर का आता है आर्टिकल। इसमें दिया है पाँच टॉपिक दिया है, इसमें किसी भी आपके आर्टिकल लिख सकते हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 डू एज डायरेक्टेड, यहाँ पर ग्रामर है जो 10 नंबर का आता है। इसमें आपका नाउन क्लास वाला आ सकता है, अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, इफ की जगह आपका अनलेस यूज़ करना है, सो दैट वाला आएगा,
चेंज द नरेशन आएगा आपका, नरेशन और वॉइस। ठीक है बच्चों, 10 नंबर का ग्रामर आता है। यह हो गया आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेक्शन सी, यह आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स, लिटरेचर टेक्स्ट बुक यानी आपका जो फ्लेमिंगो बुक है और विस्टास बुक है, उन दोनों को मिला के 30 नंबर का आता है क्वेश्चन। इसमें शुरू में क्या है आपका, एक पैसेज दिया रहेगा, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड साइड। ये क्या है आपका पैसेज है, आपके लेसन से संबंधित एक पैसेज दिया रहेगा, उसको क्या है आपको मनाना रहेगा। पैसेज दिया है और उसमें क्वेश्चन भी दिया है, तो पैसेज को ध्यान से पढ़ के उस क्वेश्चन को आपको बनाना है। द स्टेट इज फ्रॉम विच क्लास विच लेसन, ये दिया है तो ये आपका है रेड ट्रिप का है ये। इसके बाद देखिए एक पोएम दिया है, पोएम दिया रहेगा या तो पैसेज भी रहेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये आपका पोएम है। ये शुरू वाला आपका पैसेज था जो बुक से ही है, लेसन में है ये, रेड ट्रिप से है ये। इसके बाद ये वाला आपका पोएम है, तो पोएम को ध्यान से पढ़ना है, उसके जो क्वेश्चन दिया है जो भी आपको सही लगे उसमें क्या आपको टिक लगाना है, सब एक ही नंबर का है। इसका देखिए क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट टू सेंटेंसेस ईच। इसमें दिया है व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप। ठीक है बच्चों, दो दो नंबर का क्वेश्चन है ये, ये दो नंबर का है, ये दो नंबर का है, ये दो नंबर का, टोटल आपका 6 नंबर का है ये। इसका 6 नंबर का दो क्वेश्चन आएगा, एक तो आपका फ्लेमिंगोस रहेगा, ये वाला डीप वाटर का ही है, और दूसरा रहेगा आपका विस्टास से। ये है ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच आप एम हेमल। इसके बाद और क्वेश्चन दिया है, ये आपका दो नंबर का दो क्वेश्चन, ये टोटल 4 नंबर का हो गया। इसके बाद ये है आपका 6 नंबर, ये है विस्टास बुक से, ये वाला टाइगर किंग वाला, ये आपके विस्टास बुक से है, ये 6 नंबर का है। इसके पहले देखे थे 6 नंबर वाला, ये आपका है फ्लेमिंगो बुक से, ये वाला डीप वाटर का है। तो 12 नंबर का तो दो क्वेश्चन हो गया, बाकी सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं दो दो नंबर का। तो इस तरह से टोटल आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन पेपर का आप लोग ध्यान से देखो, ये आपका छमाही भी आ सकता है और बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है, एक तरह का मॉडल पेपर है ये, आप लोगों के लिए समझाने के लिए एग्जांपल के लिए बनाया हूँ इस पेपर को मैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो वो आप लोग कमेंट में बता सकते हो।